इस वक्त सबकी नजरें दिल्ली की राजनीति पर टिकी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से लोगों के मन में कई सवाल कौंध रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया फिर से बनेंगे डिप्टी सीएम, या सीएम केजरीवाल के जेल में होने की वजह से मनीष सिसोदिया अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में दिल्ली के जेल मंत्री आतिशी का क्या होगा, उन्हें कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो जान लीजिए। सिसोदिया अब चाहकर भी दोबारा मंत्री या डिप्टी सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया को मंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। हाँ, अगर वो चाहे तो मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री जरूर बना सकते हैं। मनीष की हैसियत आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद हमेशा नंबर दो की रही है। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे। मनीष को ईडी ने सीएम केजरीवाल से पहले ही जेल भेज दिया था। जेल में तकरीबन 17 महीने रहने के बाद 9 अगस्त को जमानत मिली। वो 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किए गए थे। जेल से बाहर आने के बाद सभी को उम्मीद बंध गई थी कि वो अपने पहले वाली स्थिति में दिल्ली सरकार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। वैसे गिरफ्तारी के पहले से ही एक चर्चा ये भी थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति और सीएम की कुर्सी मनीष को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में अधिक समय दे सकते हैं। इस लिहाज से भी माना जा रहा था कि ये सही मौका है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे तो सकते हैं, लेकिन जेल में रहते हुए मंत्री नहीं बना सकते। इसकी वजह ये है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल से एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली के उपराज्यपाल को सूचना दी थी कि आतिशी उनकी गैर मौजूदगी में राज्य के सरकारी समारोह में झंडा फहराएंगी। इस चिट्ठी को लेकर जेल अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। जेल अफसरों की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को विशेषाधिकार दिया गया है कि वो अपने परिवार को व्यक्तिगत पत्र लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वो सरकारी कामकाज संबंधी चिट्ठी नहीं लिख सकते। साथ ही जेल अधिकारियों ने इस तरह की चिट्ठी को अवैध बताया है, जिसके बाद अब साफ हो गया है कि मनीष तभी मंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब वो दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर उन्हें मंत्री बनाने की सिफारिश करें। अगर केजरीवाल कोई भी ऐसी चिट्ठी लिखते हैं तो जेल अफसरों के मुताबिक वो अवैध होगी। दिल्ली सरकार के बहुत सारे प्रस्तावों पर रोड़ा अटकाने वाले एलजी किसी भी हालत में इस अवैध चिट्ठी की सिफारिश को मानने भी नहीं वाले, यानी वो चिट्ठी को अवैध मान मनीष को मंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो वहीं जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है तो क्या ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया दिल्ली में सीएम का चेहरा होंगे, तो मनीष सिसोदिया ने इसका जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं अपने आप को पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में देखता हूँ। अगर मुझे पार्टी पदयात्रा करने कहेगी, मैं करूँगा। अगर पार्टी कल मुझसे कहती है कि बूथ स्तर पर काम करो, मैं करूँगा। अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, क्या मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनते हैं। अब दिल्ली की राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।